दिल लाया गधी पे तो परी क्या चीज है। ठीक है, तो भाई देखो, जो 1 साल का जो राइड एक्सपीरियंस है ना, और जो 11,000 किलोमीटर मैंने चला दिया है, तो रियल में बता रहा हूँ कि ये जो कहावत मैंने आपको बोली है ना अभी, ये इस बाइक के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। ठीक है, इस बाइक का लुक देख के और बाइक के हिसाब से, जैसे और दूसरी इसकी कैटेगरी की बाइक्स होगी, CT 100 वगैरह जो पहले आती थी, ठीक है, वो होगी, ये होगी प्लेटिना होगी, ठीक है, सीरी डीलक्स वगैरह होगी, तो उनके हिसाब से इसकी लुक थोड़ी सी ना ज़्यादा अच्छी लगती है देखने से। अब ये तो सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं लगती, बट मुझे इसकी लुक ना काफ़ी अच्छी लगती थी। ठीक है, तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं, तो ये बाइक ले ली। तो बाइक लेने के बाद अब जो इसको मैं चलाते 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 इतना चलाया है ना, तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं और नेगेटिव भी, एक दो नेगेटिव भी है। ठीक है, तो जो उसकी पहले जो पॉजिटिव है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका लुक, ठीक है, लुक के लिए लेना चाहिए क्योंकि लुक तो बहुत अच्छा है इस बाइक का। कंफर्ट के लिए लेना चाहिए, माइलेज के लिए लेना चाहिए, इसके हेडलाइट्स के लिए लेना चाहिए, मतलब नाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छी है हेडलाइट की। ठीक है, 4 चीज़ें होगी ना, और जो उसकी 5वीं चीज़ है वो है इसका रिलायबल इंजन, मतलब 8-10 साल पुराना जो टेक्नोलॉजी वही चली आ रही है इसके ऊपर, और इंजन रिलायबल है, कभी आपको रास्ते में धोखा नहीं देगा। अभी 1 साल में आज तक मुझे इस बाइक की किक मार के स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, मतलब इंजन बहुत बढ़िया है और ना ही कभी ब्रेक डाउन होगा, कभी रास्ते में रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसकी पॉजिटिव चीज़ें जो लेने के लिए आपको मजबूर कर सकती है अगर आपको पसंद है तो। और इसकी जो नेगेटिव चीज़ें, जो मेरे को अभी उसी कहावत से जो याद आ रही है कि यार मैंने ले तो लिया, अब तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कि अब जब दिल गधे पे आ गया तो परी क्या चीज़ है, वो वाली कहानी कहाँ पे पता है सच होती है, वो कहानी सच होती है इस बाइक के वाइब्रेशन में। सारी की सारी कहानी का जो मोड़ ट्विस्ट आता है ना, वो उसकी वाइब्रेशन में आता है, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन पॉइंट है ना, 55 किलोमीटर से 65 किलोमीटर तक जो उसका वाइब्रेशन पॉइंट है, वो ऐसा यार, वो थोड़ा सा ना आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ना थोड़ा इरिटेट करता है। अब सिटी में चलाते हो ना तो कोई इशू नहीं है, 50-55 तक ही चलाओगे, सिटी में वैसे ट्रैफिक बहुत होता है तो आप इसी चला लोगे, कोई इशू नहीं होगा। बट वही सेम चीज़ जब आप थोड़ा सा स्पीड में होगे ना, 55 से 65 के बीच में, तो वो वाइब्रेशन की वजह से बस थोड़ा सा मूड ख़राब जाता है आपका, तो ऐसा लगता है यार कि अब मैंने तो शादी कर लिया और मैं फंस गया हूँ, अब ना जा सकता हूँ, इसके साथ रह सकता हूँ और इसके बिना भी नहीं रह सकता, तो वो वाली कहानी है। ठीक है ना, तो वाइब्रेशन है इस बाइक में, और बाकी है ये सिर्फ लाइट वेट लोगों के लिए ठीक है, जो सिंगल राइड करता हो, जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि डबल में राइड करोगे ना आप किसी को बिठा के, तो सारा लोड पिछले टायर पे आएगा और बाइक बहुत हल्की फील होगी आपको। ठीक है ना, तो भाई जो बंदा लाइट वेट है ना, हल्का है, वो ख़रीद ले, हैवी वेट वाला बंदा ना ख़रीदे। ओके, और जिसको हाईवे पे लेके जानी है वो भी ना ख़रीदे, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा चलाने में। ठीक है ना, तो मेरा तो राइड एक्सपीरियंस यही है भाई कि शक्ल देख के ख़रीदनी है ख़रीद लो, पर वाइब्रेशन और लाइट वेट का ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आपको 55 से लेके 65 के बीच में चलाओगे तो वाइब्रेशन फील होती रहेगी, बस और कुछ नहीं है। यही एक्सपीरियंस था कि अगर आपको लुक्स पसंद है तो ख़रीद लो, और लुक्स नहीं पसंद है तो मत खरीदो। ओके, थैंक यू।